बीडीए न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। महाराष्ट्र में आज दिन भर बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है। किसी को पता चलने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने पत्रकार परिषद लेकर अपनी बात कही, जिसमें एनसीपी के बागी अजीत पवार एनसीपी के विधायक फोड़कर अपने साथ ले गए और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद बड़ा खेल शुरू हुआ और पल पल तस्वीरें बदलती रही। कभी लग रहा था कि बीजेपी एनसीपी के विधायक फोड़कर अपनी सरकार बचा लेगी, तो कभी शरद पवार कहते थे कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। श्री गणेशाय ज्वेलर्स आमच्या इथे कलात्मक दागिने, ऑर्डर नुसार व डिझाईन नुसार हॉलमार्क चे सोन्या चांदी चे दागिने, रेडीमेड ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, फॅन्सी ज्वेलरी व 916 मध्ये भरपूर रेंज असलेले दागिने मिळतात। आमचा पता श्री गणेशाय ज्वेलर्स, 36 विद्यानगर, नागपूर रोड, भंडारा। जब 4:30 बजे एनसीपी की मीटिंग शुरू हुई तो एनसीपी के विधायक धीरे धीरे वापस आने लगे और उस मीटिंग में एनसीपी के 5 विधायक छोड़कर बाकी सब विधायक वापस आ गए। और उसी टाइम एनसीपी ने अपने 3 विधायकों का दल अजीत पवार के पास भेजा और उनको राजीनामा देने के लिए कहा और वापस आने के लिए कहा। लेकिन जो एनसीपी के विधायक वापस आए हैं वो फ्लोर टेस्ट में एनसीपी का साथ देंगे ये बता नहीं सकते। इसमें बीजेपी का क्या खेल है ये पता नहीं चल रहा है। अब फ्लोर टेस्ट के लिए शायद 7 दिन है। अब इन 7 दिनों में बीजेपी क्या क्या करती है ये देखने वाली बात है। और एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस ये अपने विधायक कैसे बचा पाते हैं ये आगे 7 दिनों में देखेंगे। SR कंप्यूटर सेल एंड सर्विसेज, ऑल टाइप्स ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर लो कॉस्ट में और EMI पे मिलते हैं और रिपेयरिंग किए जाते हैं। CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर एसेसरीज लो प्राइस में अवेलेबल। SR कंप्यूटर भंडारा। अब यहाँ साम दाम दंड भेद नीति अपनाई जाएगी और यह 7 दिन बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी वाले होंगे। यहाँ अब पैसों का महापूर बहेगा और देश का सबसे बड़ा चाणक्य कौन है इस पर भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल BD न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। BD न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।